स्वागत है दोस्तों आपका आज के व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने, और हम जैसे कि आपको पता है आए हुए थे वृंदावन, और अब हम निकले हैं रात को 1:30 बजे, और लिए हमने अपने गेस्ट हाउस के बाहर से ही ऑटो, और वो हमें परिक्रमा मार के बाहर उतार देगा। तो देखो भाई, ये भैया चला रहे हैं ऑटो, तो भाई हम जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग में। जैसे कि आप सभी को पता ही है, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी रात को अपनी कुटिया के लिए जाते हैं, और रास्ते में हम उनको दर्शन करेंगे। तो ये है परिक्रमा मार्ग। भाई रात में भी ना वृंदावन ऐसा है ना कि बिल्कुल भाई, मतलब ऐसा है ही नहीं कि सुनसान जैसा, बिल्कुल सारी रात वृंदावन चलता है। अगर आप अकेले भी जा रहे हो ना रात को 1, 2, 3, 4 बजे, भाई कोई डर नहीं है यार, 1% का भी डर नहीं है। मतलब बहुत भक्त आपको मिलेंगे परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करते हुए, मतलब ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप निकल सकते हो आराम से। और परिक्रमा मार्ग में जिस मार्ग में गुरु जी आते हैं उस मार्ग में तो भाई इतना रश होता है यार। देखो भाई, ये रात को 1:30 से 2 बजे का नज़ारा है, और ये ऐसा नहीं कि एक दिन होता है भाई, डेली होता है ये, डेली, क्योंकि गुरु जी डेली निकलते हैं। और जो भक्त होते हैं रास्ते में ऐसे रंगोली बनाते हैं सड़कों पे ताकि गुरु जी को अच्छा लगे, और मतलब सिर स्लिप तो लगता भी अच्छा है, और फूलों की बनाते हैं, फूलों की। एक बार पूछ रही, अब हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। देखो भाई, भक्त कैसे मतलब फूलों की रंगोली बना रहे हैं, है ना, कितने मतलब बहुत ही मतलब अच्छी वाइब्स आती हैं यार रात को भी। मतलब रात को ऐसा नहीं लगता कि हम, ये रात के 1:30 बजे हैं और हम इसके बाहर खड़े थे अभी, और सेवा सदन के तो। और देखो भाई, अब हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, मतलब भाई कितनी सुंदर रंगोलियाँ बना रहे हैं यार, और ऐसा नहीं कि एक दिन बनती है, 2 दिन बनती है, महीना बनती है, 2 महीने बनते हैं, भाई 365 के 365 दिन बनते हैं भाई ऐसे रात को, क्योंकि गुरुजी रोज़ निकलते हैं रात को और रोज़ दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। मथुरा वृंदावन, और भाई कसम से बता दूँ यार, अगर आप गुरुजी के वचन सुनोगे ना, मतलब आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। देखो भाई, जिस सोसाइटी के बाहर हम खड़े थे ना, वहाँ पे ना मतलब गुरुजी के आने से पहले ही ऐसे डेली साफ सफाई की जाती है, और ऐसे दरियाँ वगैरह बिछाई जाती हैं ताकि लोग बैठ सकें। और अब हम भी यहाँ पर बैठे थे भाई, और गुरुजी इसी रास्ते से आएंगे, और इसी यहीं पर रुककर हम गुरुजी का वेट करेंगे भाई। और ये जो मैम सामने मतलब साफ़ सफाई और दरियाँ बिछा रही है, हमने इनसे पूछा, मैम कहते हैं हम ऐसे रोज़ ही करते हैं और हमें ऐसे करने में बहुत आनंद आता है भाई। और रात को ऐसे दिए भी जलाते हैं, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन लगा देते हैं दियों की, मतलब कम से कम 50 से 60 दिए होते हैं भाई। और यहाँ पर बैठ के भक्त कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं। आगे लग रहे आगे, और सामने से गुरुजी आ रहे हैं, मतलब उनके साथ पुलिस वगैरह भी चलती है, क्योंकि सिक्योरिटी भी तो रखनी पड़ती है यार, क्योंकि भक्त बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसलिए वैसा ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। वहाँ से सामने से गुरुजी आ रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी।
गाइस सामने से आ रहे हैं, सामने से ये देखो यहाँ पर रंगोली और तीज लाए हुए हैं और भजन कीर्तन भी चल रहे हैं, वो सामने से आ रहे हैं। और ये जो मतलब गुरु जी के जो साथ में रहते हैं ये आगे आगे चल रहे हैं, जो कि गुरु जी के चैनल भी शायद संभालते हैं। ये सामने दिखे गाइज देखो, और गाइज एक क्लिप ना मैं YouTube से उठाकर अटैच कर दूंगा क्योंकि इसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो फाइनली गाइस गुरुजी के दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं गुरुजी के पीछे पीछे, मतलब सभी भक्त उनके दर्शन करने के बाद उनके पीछे पीछे चल सकते हैं। और चलिए आपने भी कर लिए दर्शन भाई, बच्चे थी ना देखो गाइस, जिस जो भी रंगोली बनाते हैं ना लोग उस रंगोली से जैसे गुरुजी चल के जाते हैं तो वो फूलों को और वो कलर को ना लोग अपने घर ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि इन पे गुरुजी के चरण पड़े होते हैं ना। गाइज दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे थे अपने गेस्ट हाउस में वापस से सोने, और अब टाइम हो चुका है रात के ही तकरीबन 3:30 के बाद 3:30-4:15 हो चुके हैं और गुरुजी 3 बजे ही आते हैं, ठीक है, जहाँ पर परिक्रमा मार्ग में आते हैं ना पैदल। तो अब हम थे भाई इस्कॉन मंदिर के बाहर, ये है भाई रात का इस्कॉन मंदिर का नज़ारा। ओह भाई कितना सुंदर लग रहा है यार, दिन में तो लगता ही लगता है ना सुंदर, रात को और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और हम बैठे हैं बिल्कुल भाई इस्कॉन मंदिर के बाहर और हम पी रहे हैं दूध इस भैया से, जो कि भाई मैंने इस भैया से बात करी और भैया कहते हैं भाई मैं सारी रात करता हूँ, भाई मैं रात को भैया 12 बजे आ जाते हैं, मतलब इनकी शॉप कभी बंद ही नहीं होती। ऐसा है कि दिन में इनके भाई खड़ते हैं और इनके पापा खड़ते हैं और रात में ही खड़ते हैं, रात को 12 बजे से और सुबह के यही 9-10-11 बजे तक, फिर उसके बाद इनके पापा और इसके छोटे भाई आ जाते हैं। और देखो साथ में इडली डोसे वाला भी खड़ा है,
और लोग भाई काफ़ी लोग आते हैं यार, सारी रात वृंदावन चलता है, आप भी आ सकते हो भाई, बेफिक्र।